सायंकाल वर्षा हो सकती थी। शायद मैं कविताएं लिख सकता था, शायद तुम देख सकते थे। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आज मैं आपको यूज ऑफ माइट पढ़ाने वाला हूँ। माइट में जो है जी एच साइलेंट है, इसको माइट पढ़ेंगे। माइट का हिंदी मतलब होगा सकता था, सकती थी या फिर सकते थे। इसको जो है पास्ट की संभावना बताने के लिए उपयोग किया जाता है, पास्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट, फिर लिखना है माइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपका फर्स्ट वाला, शायद कल वर्षा हो सकती थी। इट माइट रेन यस्टरडे। वे पुस्तक पढ़ सकते थे, दे माइट रीड बुक। शायद तुम देख सकते थे, यू माइट सी। शायद तुम ताजमहल देख तक शायद तुम ताजमहल देख सकते थे, यू माइट सी द ताजमहल। शायद वे हमें पढ़ा सकते थे, दे माइट टीच अस। दोस्तों, आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंस मैं दे देता हूं जो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।